गए 15 साल से भारतीय जनता पक्ष का एक कार्यकर्ता होके मैं काम कर रहा हूँ बसुकल्याण विधानसभा क्षेत्र में। आज मैं उस पार्टी को और मंठाड़ महाशक्ति केंद्र अध्यक्ष स्थान को मैं ग्वालियर कटपी सेंटर हुलचू रोड बसवा कल्याण मदीना पब्लिक स्कूल विद हिफ्जुल कुरान एडमिशंस आर ओपन राजीनामा दे रहा हूँ। एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकते, उनके पास सिस्टम अलग है। और हमारा विचारधारा उनका विचारधारा जम रहा नहीं, और पार्टी में एक चक्राधिपत्य चल रहा है। पार्टी अधिकार में नहीं रहे तो भी हम कौन MLA है, कौन जीते से उसके पीछे नहीं गए। हम पार्टी का झंडा पकड़ के हम पार्टी का काम करे सो आदमी हैं। अब इनका सिस्टम देख के हमारे को एडजस्ट नहीं हो रहा, इसीलिए हम पार्टी छोड़ने का निर्णय लिए। आपने बता रहे कि हमने कोई MLA देखा नहीं, कुछ नहीं देखा, खाली पार्टी का झंडा पकड़ के हमने देखा, तो आज ऐसा क्या हुआ कि आप पार्टी का झंडा छोड़ने पर तैयार हो? जो पार्टी का निष्ठावंत कार्यकर्ता रहते हैं उसको छोड़ के जो गए बाय इलेक्शन में कौन कौन उनका अपोज करे वो लोगों को लेके राजकारण कर रहे, तो हमारे को हजम नहीं हुआ वो बात, इसलिए हम वो पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिए। वो भी होना, सभी होना, जीतना है बोले तो एक ये रहते किसको कौन से बैलेंस पे लेना, किसको कौन सा स्थान पे रहना, वो एक सिस्टम रहते। वो सिस्टम में करे तो हमारे को नाराज नहीं था, लेकिन सिस्टम छोड़ के कर रहे इसके वास्ते हम आज पार्टी छोड़ने का निर्णय लिए। तो अचानक क्यों? क्योंकि अब चंद ही दिन बाकी हैं इलेक्शन को, तो आज अचानक ये निर्णय की वजह? अचानक नहीं, आप 4 महीने से देखो मैं कौन सा तो एक्टिविटीज़ में है क्या, पार्टी वाले को भी पूछो तुम। हम गए 4 महीने से BJP का कौन सा भी एक्टिविटीज़ में नहीं है। अभी एक अच्छा एक मौका है, चुनाव है, अभी डिसीजन लेना पड़ता। चुनाव होने के बाद क्या डिसीजन लेते, अभी डिसीजन लेना पड़ता है। सूत्रों के अनुसार ये सुनाया जा रहा है जितने भी आज जितने भी BJP के जो पहले दिग्गज नेता थे, जो 15 साल से 20 साल से जो काम कर रहे थे पार्टी में, वो छोड़ने की वजह ये है कि उनके जो अपना कमिटमेंट शरणु सालगर से किए थे वो नहीं करने की वजह से ये छोड़कर विजय सिंह के पास। हम शरणु सालगर से भी पूछो तुम, हम उनको भी सपोर्ट करें अनकंडीशनल, और डे वन से उनके साथ में है। डे वन से जब उन्होंने बसवकल्याण आए डे वन से उनके साथ में थे हम। उनको भी हम कोई कंडीशन ऐसा कोई शर्त नहीं डाले, हम आगे करने वालों को भी नहीं डालते। हम कैसा है हमारे गांव में आके पूछो, हम खेत हमारा ओन प्रॉपर्टी बेच के हम राजकारण कर रहे। 40 साल से हमारा खानदान भी पॉलिटिक्स में है। हम कांग्रेस जाना बोल रहे कांग्रेस ही क्यों बोले तो अब हमारा विचारधारा को सेट हो रहा है, माइंड सेट हमारा विचारधारा जो है ये बसवण्णा का भूमि है। अनुभव मंडप क्या सिखा रहे हैं हमारे को, क्या सिखाए अनुभव मंडप हमारे को? सभी जात धर्म ले एक बोलकर सिखाए। आज का सिचुएशन देखे तो एक विशेष समुदाय को टारगेट बनाकर बात करना क्यों करना, वो सब हमारे कल्याण में कुछ है ऐसा कुछ है क्या? पहले से हम BJP में भी थे, पहले से हम सभी जात धर्म के साथ बैठते थे। ये क्यों वोट बैंक के वास्ते हमारा जो सौहार्दता है हमारा बसवकल्याण में वो खराब नहीं होना, हमारा स्वार्थ के लिए वोट बैंक के लिए हमारा सौहार्दता खराब हो गई? जिंदगी हम करने वाले हैं बसवकल्याण में, रोज झगड़ा करना है इसके साथ भी? वो इलेक्शन को और हिंदुत्व को इसको क्या मतलब है जी? BJP की ज़्यादातर तो जो लड़ाई हो रही है आज के तारीख में जो है हिंदुत्व को लेकर या जातिवादी को लेकर हो रही है, तो यहाँ पर जो है आप जो अभी एक लिंगायत हैं और MLA जो है XML जो शरणु सालगर भी लिंगायत हैं, आप ये लिंगायत को छोड़कर उधर धर्म सिंह की तरफ जाने की क्या वजह? लिंगायत किसको बोलते साहब, जात नहीं देखता हो। लिंगायत मीनिंग क्या है उसका? बसवण्णा के जात के वास्ते लिंगायत बनाए? लिंगायत जात नहीं देखता, सभी कम्युनिटी को इक्वल मानने वाले को लिंगायत बोलते। अनुभव मंडप में सभी थे, समगार हरड़ा आता, मादर चेन्नई आता, डोहर कक्कई आता, अंबीगर चौड़ा आता, संबोली नागी देव था,
सूफी संत, हमारे मुसलमान सूफी संत मरुड़ शंकर देव थे, सभी धर्म के थे अनुभव मंडप में, उसको लिंगायत बोलते। कौन सा भी विशिष्ट कम्युनिटी को टारगेट करने वाले को लिंगायत नहीं बोलते। ये बसो भूमि है, अनुभव मंडप का भूमि है, वो सरकार बीजेपी सरकार ही अनुभव मंडप बना रहे। अनुभव मंडप क्या बोले, जात पात करो बोले अनुभव मंडप। अनुभव मंडप इक्वलिटी सिखाए, स्त्री को समानता दिए, उसको बसवेश्वर का फॉलोअर बोलते हैं, जात पात करने वालों को बसवेश्वर का फॉलोअर नहीं बोलते। ये बसो भूमि है। शरणु सलगर बोले बोलकर कोई मनाना नहीं मनाना किसके हाथ में नहीं है। बसवेश्वर जमा जयंती भी जमाने से मन रहे, शिवाजी जयंती भी जमाने से मन रहे, क्या उन्हों बोलने के बाद नहीं मना रहे? इधर पहले से मना रहे जयंती। जिसका जिसका रेस्पेक्ट किसके ऊपर है उनका जयंती बनाते हैं। हम कौन होते, उनका मत बनो इनका मत बनो बोलने वाले? प्रजाप्रभुत्व है ये। कॉन्स्टिट्यूंसी क्या बोल रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी जिसका अधिकार है क्या किसका? तो ये तुम आप वो मत बनाओ ये मत मनाओ बोलकर है ऐसा अधिकार है? वैसा कुछ भी नहीं है। जिसको जिसको किसका विचारधारा पसंद है, जिसके फॉलोअर्स है, उनके जयंती बनाते ना, सर के ऊपर बिठा के नाचते भी। हम कौन बोलने वाले होते? ये सब वोट बैंक के लिए, ये इलेक्शन है ना वोट बैंक के लिए। हम चार महीने से हमारे आप हमारे दोस्तों को तुम सब पूछो, हम चार महीने से डिसाइड करें, ये बार हम पार्टी चेंज करना बोलकर।